हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लाभ एंड हानि एकदम बेसिक से बताने वाली हूँ। तो चलो मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। तो लाभ और हानि से जुड़े क्वेश्चन को शुरू करने से पहले बेसिक बात को जान लेते हैं। बेसिक बात क्रय मूल्य होता क्या? तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसको कहते हैं क्रय मूल्य। उसको इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसको शॉर्टकट में सीपी से लिखते हैं। सीपी का मतलब हो गया क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या होता है? तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। उसको इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस, जिसको शॉर्टकट में एसपी से दर्शाते हैं। एसपी का मतलब हो गया विक्रय मूल्य। लाभ को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट, जिसको पी से लिखते हैं। हानि को इंग्लिश कहते हैं लॉस, जिसको एल से लिखते हैं। लाभ कब होगा? तो जब लाभ कब होगा तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि आप खरीदिएगा कम पैसे में, बेच दीजिएगा ज्यादा पैसे में, तो आपका लाभ होगा। लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि कब होगा? जब आप खरीदिएगा बेसी पैसे में, बेच दीजिएगा कम पैसे में, तो आपका हानि होगा। हानि बराबर फॉर्मूला हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखिए यहाँ पर सीपी है, इधर पर एसपी है, यानी कि इधर क्रय मूल्य है और इधर विक्रय मूल्य है। यानी कि आप किसी वस्तु को 80 रुपए में खरीदे और 100 रुपए में बेच दिए, तो यहाँ पर आप कम पैसे में खरीदे और ज्यादा पैसे में बेच दिए, तो यहाँ पर देखिए 20 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने पैसा का लाभ हुआ? तो 20 रुपए का लाभ हुआ। अब है कि आप 80 रुपए में खरीदे और 80 रुपए में ही बेच दिए। जिस दाम में आप किसी वस्तु को खरीदे उसी दाम में बेच भी दिए, तो आपका क्या होगा? ना लाभ होगा ना हानि हुआ, यहाँ पर लाभ होगा ना हानि होगा। अब है कि आप 80 रुपए में किसी वस्तु को खरीदे और 60 रुपए में बेच दिए, यानी कि आप ज्यादा पैसे में किसी वस्तु को खरीदे थे और कम पैसे में बेच दिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। यहाँ पर कितना रुपए का हानि हुआ? 20 रुपए का हानि हुआ। आप देखते हैं कि लाभ प्रतिशत कब होता है, हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, आप ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 400 रुपए में एक रेडियो खरीद कर उसे 500 रुपए में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? यहाँ पर क्रय मूल्य यानी कि सीपी हो गया 400 रुपया और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी हो गया आपका 500 रुपया। और कब पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? देखिए कम पैसे में खरीदा और बेसी पैसे बेच दिया, यानी कि 500 में 400 घटाएंगे तो 100 रुपया का लाभ हुआ। लाभ कितना हो गया? 100 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? लाभ प्रतिशत पूछा था। लाभ प्रतिशत बड़ा फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। तो लाभ क्या हो गया? 100 रुपया हो गया। और क्रय मूल्य कितना है? तो 400 रुपया है, गुणा कर देंगे 100%। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 400 कट जाएगा 25 बार में, तो काट दीजिए 25 बार में या गुणा कीजिएगा तो 25% इसका आंसर आ गया, यानी कि 25% का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ? तो 25% का लाभ हुआ। तो इस तरीके से आप प्रतिशत लाभ को निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति 500 रुपए में एक घड़ी खरीद कर उसे 400 रुपए में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का हानि हुई? यहाँ पर पूछा है कितने प्रतिशत का हानि हुई, यानी कि क्रय मूल्य हो गया आपका 500 रुपया, विक्रय मूल्य हो गया 400 रुपया, यानी कि ज्यादा पैसा हम खरीदा वस्तु को कम पैसे बेच दिया, यहाँ पर हानि हुई। और कितना का हानि हुई? तो 100 रुपया का हानि हुई। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कितने प्रतिशत का हानि हुई, यहाँ पर कितने प्रतिशत का हानि हुई ये बताना है। तो हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। हानि कितना है? 100 रुपया है। और क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया है, गुणा कर देंगे 100%। से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 500 कट गया 20 बार, यानी कि 20% की हानि हुई। इसका आंसर क्या आ गया? 20%। तो कितना प्रतिशत की हानि हुई? तो 20% की हानि हुई। तो इस तरीके से जो आप प्रतिशत हानि प्रतिशत लाभ को निकाल सकते हैं, लाभ एंड हानि को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि मैं वीडियो को थोड़ा भी आप लोगों को अच्छे लगे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।